आप सभी ने देखा है कि किस तरह से विरोध हुआ है। अभी आपने देखा है सभी स्टूडेंटों ने एक तरह से ट्वीट करके विरोध प्रकट किया है। उसके बाद आपने देखा है कि आश्वासन दे दिया गया है। कुछ पहले इसी प्रकार का आश्वासन आपका एमपी में दिया गया था। आपने देखा होगा जेल प्रहरी की नौकरी दे दी गई थी, वैकेंसी दे दी गई थी, लेकिन उसमें भी कई तरह की गलतियां थी। तो एक तरह से आप कहिए कि फॉर्म भर जाए और पैसा आ जाए, पेपर होना, और एक तरह से आमदनी भी हो गई और कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो आज आप लोगों को देखिए कि एक तरह से हमें रुकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आप किसी भी जिंदगी में अपनी में देखते रहते हैं, दैनिक जीवनचर्या में भी देखते हैं आप लोग कि हम जो कोई भी काम करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं कि बड़े जुनून के साथ करते हैं, लेकिन कुछ टाइम निकलने के बाद हम लोग ठंडे आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, या एक तरह से आलस पकड़ के बैठ जाते हैं। आपने देखा है कि कल मतलब अभी हाल में ही जो ट्वीट किए गए 35 लाख, कितने फिर से सुन लीजिए, 35 लाख ट्वीट किए गए हैं हमारे अपने सभी लोगों के द्वारा। और आप सोचिए सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट या शिक्षक हैं उन्होंने भाग लिया है। अभी आपको बताऊंगा कि न्यूज चैनलों ने क्या किया है, पूरा प्रयोग देखिए आप लोग, खुद डिसाइड कीजिए कि देश में क्या चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन मीडिया किस तरह से क्या काम कर रही है इसे आप भी जानेंगे। उसमें मीडिया की भी गलती नहीं है, हम लोग भी उस तरह से न्यूज चाहते हैं मसालेदार कि हम अपनी जिंदगी, मतलब आप सोचिए कि हमें इस तरह की रोजगार की बात नहीं है। हमें अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, कई लोग बोल रहे हैं कि यार नौकरी नहीं, कुछ इंतजार नहीं कर सकते हो, या चाइना के लिए ऐसा होगा वैसा होगा। अरे जब रोजगार ही नहीं मिलेगा, देखिए एक कहावत है बुंदेलखंड में, भूखे पेट भजन नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी तो तुम क्या करोगे? तब देशभक्ति दिखाओगे? अभी वाइकोट चाइना का आपने स्लोगन चल रहा था कुछ समय पहले, तब भी मैंने कहा था कि ये सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे पास इतने चाइना चाइना से जो भी फोन आते हैं, जो भी सामान आता है, बड़ा सस्ता होता है और हम लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं, जब तक कि उन सामानों का कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं करा देती है भारत सरकार, तब तक हम लोग उन्हें नहीं रोक सकते हैं। आपने देखा है कि मोबाइल उस समय भी विरोध चल रहा था, फिर भी मोबाइल धड़ल्ले से बिक रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी काम करना है बड़े जुनून के साथ करते हैं, और जुनून की बात नहीं, लोग डरते हैं, बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि केस की अभी एमपी में आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ बच्चे विरोध कर रहे थे तो कोई पुलिस वाला बोल रहा था मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चे डर भी जाते हैं। आपने सुना होगा 1975 से 1977 का टाइम को इतिहास का काला अध्याय कहते हैं हम लोग, आपको मालूम होगा शायद। इंदिरा गांधी ने कई काम किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण देख लीजिए, फिर चाहे आप लोग बांग्लादेश की बात कर लीजिए, 1971 की बात कर लीजिए, युद्ध हम लोग जीते पाकिस्तान से, फिर भी इंदिरा गांधी के नाम पर एक धब्बा लगा हुआ है, वो आपातकाल। और आप जानते हैं कि जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी को गद्दी से हटा फेंका था। तो स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी होती है, और आप सोचिए 35 लाख लोगों ने, ये 35 लाख तो वो बच्चे हैं जो डरते नहीं हैं, जो डरते हैं उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया है, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। तो आप हालत समझ सकते हैं, 35 लाख, या तो आप कह दीजिए कि 35 लाख ये देशद्रोही हैं, या आप कह दीजिए कि ये अन्य देश के हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, आपके लिए सब नॉर्मल है। सबसे बुरी बात ये है कि अभी एमपी में हो रहा है, देखना आप लोग एमपी में कितना मतलब सहयोग कर रहे हैं बच्चे, और कोई जाग नहीं रहा है। हमारे विधायक साहब, कोई भी मंत्री, अभी आपने 35 लाख इतने ट्वीट किए हुए, उसके बाद किसी मंत्री का, कोई विपक्ष के नेता का, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। हाँ फिर भी एसएससी पर कुछ दबाव पड़ा है, उसके बाद उसने एक दो रिजल्ट निकाले हैं, और वो भी रिजल्ट आप सोचिए कि आश्वासन दे दिया गया है, अभी 20 से 30 दिन में वो रिजल्ट भी आएगा, इतना टाइम दिया गया है। तो यानी कि उनकी तो फॉर्म भर चुके हैं, फीस जमा हो चुकी है, तो उनका तो मजा है। एनटीपीसी का देख लीजिए आप लोग, अप्रैल 2019 में फॉर्म भरे, जून 2019, जून सितंबर के बीच पेपर होना था। कब की बात की जा रही? 2019 की बात कर रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, पेपर पैसा पहुंच चुके हैं, 400 से 500 रुपए लिए गए हैं सबसे। आप सोचिए कि हजारों अरबों खरबों रुपया पहुंच चुका है, उसका ब्याज मिल रहा होगा अलग,
तो उनका तो फायदा है सरकार का, एएलपी का देख लीजिए, एमपीपीएससी का देख लीजिए, एमपी पुलिस पर व्यापम, चाहे शिक्षक भर्ती, लेखाकार, यूपी दरोगा, बिहार का किसी भी स्टेट का एग्जाम देख लीजिए आप लोग उठाकर। अभी आपने देखा है कि अगर विधायक खरीदना है आपको, विधायक अगर हाईकोर्ट खुल जाता है, लॉकडाउन के टाइम भी हाईकोर्ट खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, आपको सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए, रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आपने एक न्यूज देखी होगी अभी सीबीआई जो उस मामले, सुशांत वाले मामले की, ठीक है होना चाहिए, अब सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है केस, वो सब कुछ देख लेगा, तुम्हें क्या करना है। तो ऐसे लगता है कभी कभी कि मीडिया क्या काम कर रही है, कि मीडिया इसका एक तरह से फैसला सुना रही हो, ऐसा देखने को मिलता है। एक बार आप लोग स्क्रीन पर चलिए, देखिए ए आपका है न्यूज, ए एमपी का चैनल है, एमपी की न्यूज इस पर दिखाई जाती है, आप लोग देख लीजिए। मैं ज्यादा दिन की बात नहीं करूंगा, एक से दो दिन की बात करूंगा बस, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए, कहीं आपको अगर दिख रहा हो कि रोजगार पे बात हुई हो, कहीं आपको किसी भी न्यूज में आपको दिखा हो कि रोजगार की बात हो रही हो, खुद आप देख लीजिए। इनकी साइट पर भी मैन पर जाएंगे तब भी आपको यही देखने को मिलेगा, कहीं किसी भी आपको देखने, ठीक है। बीजेपी या मतलब कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह के सभी छाए हुए हैं, मतलब लोकल न्यूज, कोई मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मिर्च मसाले वाली न्यूज, कोई काम की न्यूज आपको मुझे नहीं लगता है कि देखने को मिल रही हो। सायगंज पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, अभी दिखाया जा रहा था कि रिया घर से निकली, 10 बजे घर से निकली रिया, घर आई, कांग्रेस का बीजेपी संग, मिले सुर मेरा तुम्हारा। देखिए ये न्यूज है, मतलब आप सोचिए एक तरह से मीडिया, आप खुद सोचिए कि मीडिया का काम यही है किस तरह से न्यूज दिखाना, ठीक है। अब चलिए आप लोग जी न्यूज को देख लेते हैं, ये भी मतलब अपने ही देश की मीडिया है, अब चाहे भारत के लिए एक दुर्भाग्य की बात कर लीजिए या बहुत बुरी बात, जो भी आपको, और जो घर में बैठ के एक तरह से जो वचन देते हैं, ज्ञान देते हैं एक तरह से, उनके महान लोगों के लिए आप कुछ न मत बोलिए, उनकी हालत उस कुत्ते जैसी है कि कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली, जब निकाली तो सीधी की सीधी, टेढ़ी की टेढ़ी निकली, वही हाल है उनका। कभी वो बेरोजगार की जगह अपने आप को रख के देखें, उस व्यक्ति की जगह, कोई घर से निकलता है, कोई मेहनत करता है, घर वालों को कितने सपने दिखाता है, देखिए आप लोग इसे भी देख लीजिए, सुशांत रिया, सुशांत रिया, आपको कहीं न्यूज काम की न्यूज दिख रही हो तो बताना। देखिए रिया पिता, रिया के पिता से लगातार पूछ, अब टूटेगा चीन का गुरुर, आप खुद देख लीजिए, कोई अगर आपने जो भी ट्वीट किया है, आपके विरोध में कोई आया हो, ठीक है, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, आप जाकर भी देख सकते हैं इस पर। ये हिंदी के न्यूज चैनल, मतलब आप कहिए एक तरह से मीडिया में अच्छे ही हिंदी के कुछ अच्छे ही चैनल लिए जा रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए, सुशांत की मौत में, मौत से बंटी का कनेक्शन, कौन से बंटी है, देख लीजिए आप लोग। बिहार का आप देख लीजिए, बिहार की बाढ़ की कहीं दिखाया जा रहा हो आपको, आज भी होगी रिया के माँ बाप से पूछ, घटिया चावल बांटने पर पीएमओ ने मांगा जवाब, देख लीजिए आप लोग, मतलब इतना भयंकर एक तरह से विरोध होने के बाद, आप खुद सोचिए, फिर भी किसी मंत्री विधायक या आपके क्षेत्र से जो भी मुख्यमंत्री हो, किसी की एक कोई नहीं जागा एक तरह से। अब चलिए आप लोग इसे भी देख लीजिए, आज तक कंगना को अब भारतीय सेना सुरक्षा दी, किसे, कंगना को, एक एक्टर नहीं है आपकी कोई, कंगना भी सुसाइड कर लेंगी, सुशांत केस में सबसे ट्विस्ट, उद्धव सरकार को क्यों आनी चाहिए शर्म आप खुद देखिए, अनलॉक सच्चाई लॉक, यार मतलब एक इससे सही तो मुझे लगता है कि हमें अगर टाइम पास करना है तो कॉमेडी की जगह आप लोग इसे देख लीजिएगा करिए, न्यूज पेपरों को। सबसे इंटरेस्ट बात आपको मालूम है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक
पत्नी का पति यानी कि एक सुसाइड व्यक्ति कर लेता है, उसकी पत्नी से मीडिया वाले क्या पूछते हैं, तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, तुम्हारे पति ने सुसाइड किया हुआ है। यार मतलब एक तरह से जितना कहते नहीं है कि इंसानियत मानवता और नेताओं की असलियत, मतलब नेता जितने गिर सकते थे मीडिया जितनी नीचे तक गिर सकती थी गिर चुकी है, इससे ज्यादा आप सोचिए कुछ नहीं गिरेगा। अब आप सोचिए जब तक जागे इंसान, जब तक आप अंधभक्ति छूटेगी, किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राज्य में आपने देख रहे हैं कई राज्यों में कांग्रेस है, कई राज्यों में बीजेपी है या अन्य है, सब जगह यही हाल आपको देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी है एक, इतना मैं कहूंगा, लेकिन आप लोग फिर चाहे इसे गलत ठहरा दीजिए, आप आपकी सोच है, लेकिन हाँ रवीश ने मुद्दा उठाया है, रवीश कुमार ने मुद्दा उठाया है, क्या स्टूडेंटों का काफी मुद्दा उठाया है और अच्छी नींव दी उसने। अब देखिए आप लोग कह देंगे वो देशद्रोही है आपके ऊपर, देखिए आप अपने आप को सोच लिया करिए आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग बोल रहे हैं 35 करोड़ जो ट्वीट किए गए हैं, सॉरी 35 लाख, वो देशद्रोही हैं या अलग हैं, ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो उनको देखिए जो इस तरह की कटाक्ष करते हो, उन्होंने तो उस समय भी देखा है जब गरीब मर रहा था, एक लाचार था लॉकडाउन के टाइम, उस टाइम भी कह रहे थे कि गरीब है इसलिए मर रहा है, मरने दीजिए सालों को, तो उनके शब्दों को मत देखा करिएगा, वो तो एक उनके बारे में जितना घटिया शब्द यूज कर सकते हो करिए आप लोग। क्योंकि सोशल मीडिया जब भी खोलता हूं, वैसे मैं फेसबुक अब नहीं चलाता हूं लेकिन देखता हूं जब भी, तो बड़ा आपको देखने को मिलेगा। देखिए रवीश ने तो काफी बात की है, ठीक है ये बढ़िया, और इससे पहले भी रवीश कई बार मुद्दा उठा चुका है इस तरह का, ठीक है इसे भी आप देखिए कहीं आपको दिखाई दे रहा हो, देख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि देखिए सरकारें, अन्ना हजारे साहब का मुझे एक वाक आता है याद, जब उनसे कहा गया कि वो आपसे चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। इसका कहने का मतलब उनका यही था कि हमारे यहाँ की जनता पैसे देखती है और कुछ नहीं देखती है। एक शर्म, सबसे बड़ी शर्म वाली बात यह है कि आप देखते हैं आपके जो भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, आधे से अधिक बलात्कारी, मर्डर किए हुए, डकैत, इस तरह के व्यक्तियों को चुनते हैं आप लोग, तो इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आप लोग, उम्मीद भी वही रखी है जिस लायक आपने चुना है। आप अगर बराबरी इन चाइना की करना चाहते हैं तो चाइना जैसी सोच रखना होगा, चाइना जितना उठना होगा ऊपर, और एक तरह से कहा जाता है ना कि वो झूठ बड़ा जल्दी फैलता है आपकी तरह, और सच बहुत टाइम लगता है, तो यही देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अवसाद की बीमारी होती है, या फिर कहा जाता है कि अपने आप में भरोसे की बीमारी, वही है कि हम सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं, यही सोच के अधिकतर लोग जीते हैं। कहने का मतलब मेरा इतना है कि आप सच से तो सामना करिए कम से कम, समझ रहे हैं आप लोग, कि किसी भी देश को देख लीजिए आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन के कारण ही कोरोना वायरस ने ही अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन उससे पहले भी तो आप देखिए अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, और मोदी सरकार ने कई काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने गलत काम किया है। आप लोगों से कई योजनाएं, मैं हजार योजनाएं, हजार तरह की योजनाएं बता दूंगा कि प्रधानमंत्री साहब ने ये काम किए हैं। 2014 की बात आपने देखिए, ये कुछ कुकुर मुत्ता जैसे लोग होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, कि हो भी आएंगे फिर कुछ, जैसे ही पानी बरसेगा हो आएंगे फिर सूख जाएंगे, तो प्रधानमंत्री साहब को ये लोग ऐसा फॉलो करते हैं फिर छोड़ दिया फिर, लेकिन हम लोग आप लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं हर एंगल को, उनकी बात को भी जानते हैं। जब से मन की बात शुरू हुई थी तब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तब से आप लोगों को भी बताता रहता हूं, समझ रहे हैं। तो मतलब हम लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री साहब शुरू में आए तो हर देश से बात चल रही थी, हर देश मतलब एक तरह से हमारा साथी था, लेकिन आज की स्थिति क्या बनी हुई है, नेपाल जिसकी औकात कुछ नहीं हमारे सामने, आज वो भी
बात मतलब एक तरह से हमें झड़पी देने लगा है। पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां लद्दाख में आपने जैसे ही झड़प हुई, पाकिस्तान ने अपनी सेना ला के पीओके में खड़ी कर दी। समझ रहे हैं आप लोग? और आप सोचिए कि अगर, हाँ ठीक है, आप अगर कह सकते हैं कि ये 35 लाख जो भी बच्चे हैं या फिर मन की बात को जिन्होंने डिसलाइक किया हुआ है, तो उन्हें आप देशद्रोही कह सकते हैं, जो भी आप शब्द यूज कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा याद रहेगा और इतिहास में एनालिसिस होगा, यानी कि इसका इतिहास में बात की जाएगी इसकी, क्योंकि आज हम लोग जो भी कर रहे हैं इतिहास लिखा जाएगा, आप जानते हैं, उसमें बताया जाएगा कौन सही था कौन गलत था। इंदिरा गांधी के समय भी किसी ने नहीं कहा कि इंदिरा गांधी गलत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, आज हम लोग व्याख्या कर रहे हैं उसकी, आज हम लोग बात कर रहे हैं उनकी बात में कि गलत था उस समय, उन्होंने गलत किया था। तो देखिए, आने वाला इतिहास बताएगा कि कौन सही था कौन गलत था। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इतनी कमजोर हो चुकी है कि देश की मतलब कोई भी मुद्दा उठाने लायक भी नहीं बची हुई है। मीडिया एक तरह से आप सोचिए कि चाटुकारिता में जुड़ी हुई है, एक दूसरे पक्ष का करती है, दूसरा तीसरे पक्ष का करती है, स्टूडेंट एक तरह से पिस रहे हैं। किसी भी एग्जाम का एमपी का हल ले ले लीजिए आप लोग, दोनों सरकारों का बता रहा हूं, कांग्रेस का भी आपने देखा है हाल और बीजेपी का भी हाल देख रहे हैं आप लोग। कम से कम एमपीपीएससी का आप देखते हैं कि 2018 से पहले ठीक टाइम पर हो जाता था, अब आप देख रहे हैं कि उसमें भी आपने देखा है कितनी बुरी हालत है। तो मुझे लगता है कि अब सरकारों को जाग जाना चाहिए, अब ये मन की बात काम की बात होनी चाहिए, ये टाइम खत्म हो गया, अब भावनाओं से देश नहीं चलते, आपको मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर महाशक्ति बनना है तो महाशक्ति जैसी सोच रखनी होगी। इतना कोई भी धर्म ना कमजोर हुआ है, ना हमारा भारत इतना कमजोर है कि कोई आकर बाहर से हमारे भारत को खत्म कर दे, क्योंकि आज से पहले भी आपने देखा कई मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, लेकिन भारत को क्या खत्म कर पाए? कभी भी नहीं। आप इतिहास में जाकर देखिए, संस्कृति को हमारी को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाया, लेकिन 1947 के बाद से आज की स्थिति देखिए, सबसे ज्यादा हमारी भारत की आत्मा को झकझोरा गया है, ठेस पहुंचाया गया है, जो भारत माता की असली आत्मा है उसे खत्म किया गया है। मीडिया, कुछ गद्दार मीडियाओं ने, कुछ नेताओं ने, कुछ आप कहिए मूवियों ने, यानी कि बॉलीवुड मूवियों ने, कुछ मूवियों ने आपने देखा है, इतिहास पर मूवी बताइए ना आप लोग, गांधी जी के बारे में बताइए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए, जो भी हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी महाराजा राजा रहे हैं, भगवान राम के बारे में बताइए, गौतम बुद्ध के बारे में बताइए, ऐसी मूवी बनाइए ना। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी मूवी हमारे देश में नहीं चलेंगी, जब तक कि उसमें कुछ मिर्च मसाला ना हो तब तक आप देखते हैं कि हमें पसंद भी नहीं रहती है, वही भुगत रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी खरीदेगी। और आपने देखा है भुगतेगी भी, अभी ये राफेल खरीदे गए 5 विमान आए फ्रांस से, तो हम लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, तालियां बजाई, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जब तालियां बजानी चाहिए थी, खुशियां मनानी चाहिए थी, जब हम खुद अपने देश में इस तरह के विमान बना रहे होते, तब हमसे चाइना डरता, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रांस से पाकिस्तान खरीदेगा तो उसे भी दे देगा, वो तो व्यापार कर रहा है। तो ये हाल है, कुछ हकीकत सच सुनना भी पसंद करिएगा। हाँ मानता हूं कड़वा होता है सच, लेकिन सच सुनना भी, मुझे लगता है कि अगर सच में हकीकत जिंदगी जीना है तो कड़वा भी सच सुनना चाहिए। अभी देखिए आप लोग, बाजार एक तरह से भरा पड़ा होगा है। किसका? कि अगर आपसे कोई बोल दे कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आप महान काम कर रहे हो, आप फूल जाएंगे, आपसे अगर कोई झूठी आपकी तारीफ कर रहा है, और अगर आपसे सच में कह दे कि आप यार ऐसी हालत है तुम्हारी, ऐसा काम है, तो आप तुरंत बुरा मान जाते हैं। यानी कि सच बोलना छोड़िए, सुनना भी पसंद नहीं है। जिंदगी देखिए 50-100 साल की रहती है, लेकिन आपके कर्मों को हमेशा याद रखा जाता है, और 100 साल की छोड़िए जिंदगी, जिंदगी के कोई भरोसा भी नहीं है।
अभी ये 5-10 मिनट बाद अभी लेक्चर ले रहा हूँ, हो सकता है 5-10 मिनट बाद पता नहीं कुछ आए चला जाऊँ, समझ रहे। और कोरोना महामारी ने आपको याद भी दिला दिया है कि बाल से भी कई गुना छोटा वायरस है, हमारी औकात याद दिला दी है कि तुम एक एक तरह से अस्थायी हो, तुम्हारे बाप की यहाँ जागीर नहीं है, कभी भी आप उठ सकते हो धरती से। तो इस बात को मुझे लगता है समझ जाना चाहिए। और सरकार कोई भी रहे हमें क्या मतलब है, हमें देखिए सीमा की आप बात करें तो हमारी सेना इतनी मजबूत है कि हर किसी से निपटने के लिए तैयार है। आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1947 से ही आप देख लीजिए हमारी सेना ने कभी पीछे नहीं हटी, कुछ भी हुआ हो कुछ भी रिजल्ट रहा हो। लेकिन आप कहिए कि हमें अंदर रोजगार चाहिए देश के, शिक्षा चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी बिहार में आपका देख रहे होंगे आप लोग कितनी बाढ़ की प्रॉब्लम है, पूरा बिहार तबाह हो चुका है एक तरह से, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने कोरोना महामारी आई हुई है, स्वास्थ्य की हालत देखिए आप लोगों ने, अस्पतालों की हालत क्या है, स्कूलों की हालत आप देखते हैं दैनिक जीवनचर्या में कि आपके आसपास के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, फिर भी आप अंधभक्ति में लगे हुए। याद रखिए आज हम हो सकता है कि हम लोग गांधी जी को गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, या और किसी को भी गाली देते रहते हैं हम लोग नेता को, 1947 के बाद के उस टाइम के नेताओं की बात कर रहा हूँ, आज के नेताओं उस टाइम के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है, एक बात को याद रखिए। और याद रखिए हमें कांग्रेस से कुछ नहीं मिला, हम लोगों ने उन्हें सजा दी है, देख तो रहे हैं आप लोग कि कितनी बुरी तरह से खत्म हो गई कांग्रेस। अब तुम्हें काम करना चाहिए, अगर हमें मालूम होता कि तुम भी काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें क्यों चुनते। एक वही कहावत है कि मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आपके गेट पर भीख मांगने के लिए आता है कोई आपके यहां, आप उसे भीख देते, तो आपकी स्थिति यह है भीख देने वाले की कि भूख से मरा है, बच्चे मतलब घर में बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए घर में अच्छे से खाना नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए अगर एक बीमार हो जाता है परिवार में तो पूरी तरह से परिवार टूट जाता है, आय का साधन इतना अच्छा नहीं है। और आप देखिए आप जिसे वोट दे रहे हैं वो विधायक बनता है, एमपी बनता है, और उसके बाद एमएलए, फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो आप सोचिए कि वो मजा कर रहा है, उसके बच्चों को अगर कोई तबीयत खराब भी होती है तो न्यूज वाले तुरंत कवर करते हैं, वीआईपी हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप हालात समझ सकते हैं ना, 10वीं पास चाहिए ना 8वीं पास चाहिए, अगर सेना में आपको जाना है तो 10वीं 8वीं पास या 12वीं पास आपको चाहिए, लेकिन नेता बनना है तो आप 5वीं फेल भी हैं तब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कुछ ना आता हो आपको तब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप लोग विधायक बन सकते हैं। देखिए भारत अगर ऐसा ही चला तो भारत को कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत की जो असली आत्मा है, जिसे जिस पहचान है भारत की, वो खत्म हो जाएगी। अभी कल ही परसों मैं देख रहा था कि एक बहू अपनी सास को पीट रही है, बूढ़ी मतलब बिल्कुल बूढ़ी सास थी, मतलब आप सोचिए कि हमारे यहाँ एक तरह से भारत में यही संस्कार रह गए। अभी कुछ समय पहले आपने देखा भी था, मैंने यही बाजार में एक दिन निकला कि मतलब एक बूढ़ी माँ गिर जाती है, वहां लोग कई लोग खड़े हुए हैं, कई लड़के लड़कियां कोचिंग के सामने, कोई उठाता नहीं है उसे, आप समझिए तुम्हें मतलब बदबू आती है उससे, तुम्हारी भी हालत हो सकती है कि तुम्हारी इससे और बुरी हालत हो, समझ रहे हैं हम, ये हालत है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक क्लास ली, उसमें आपने देखा है कई लोगों को बुरा लगा, ठीक है आपके बुरा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो हकीकत था उसे बताया, और ना मैं देखिए मैं सीधा साधा, मैं हो सकता हूं कि गलत हूं क्योंकि मैं समझदार नहीं हूं ज्यादा, आप लोग समझदार होंगे, आप लोग सही है आप अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है, ये हालत है। घर परिवार में देख लीजिए, एक समय हुआ करता था कि अगर आपके गांव में या कहीं भी आपकी कोई आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाया करता था, आपके सुख में दुख में हर जगह साथ दिया करता था। आज आप देखिए आपके घर में अगर दुख है तो पड़ोसी आपका खुशियां मना रहा होता है, आप अगर देखिए कि आपके यहाँ अगर कोई दुख है तो पड़ोसी, और खुशियां हैं तो दुख हो रहा है पड़ोसी को, ये हालत देखी गई है।
अभी आपने देखा है कि बिहार में, आपने देखा है कि एक लड़की दिल्ली नोएडा से जाती है बिहार अपने बाप को साइकिल पर ले जाती है, बीच में कोई नहीं आता है उसकी मदद के लिए, मुख्यमंत्री आपके विधायक हो फिर जो कोई भी नेता हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कई नेता आ जाते हैं। लॉकडाउन के टाइम आप एक किसी ऐसे नेता को देखिए जो आपकी मदद के लिए आया हो, सब अपने घर में बैठे रहे दुमक के डरते हुए। आप देखिए हमारे अगर भगवान श्री राम को अगर मानते हैं आप, जिस भी धर्म के हो उसमें किसी अपने गुरु को मानते हैं, तो आप देखिए अगर क्या भगवान होते इस टाइम तो वो भी घर में बैठे रहते और जनता को मार रहे होते। नहीं कभी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कभी नहीं। और याद रखिए मुझे नहीं लगता है कि ठीक है अभी आपके पास पैसा है, आप ऐस कर रहे हैं, आप VIP ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अगर भगवान सजा देता है तो उससे आप कभी नहीं बच पाएंगे, वो आपको तबाह करके रुकेगा। हो सकता है कि बुढ़ापे में आप गल गल के मरे अगर आपके गलत कर्म रहे। कहा जाता है कि भगवान, आपने देखा होगा रामायण देखते रहते हैं आप लोग, देखना भी चाहिए, बहुत अच्छी सीख मिलती है। सीता माता जब वन से आती हैं, यानी कि वन से हरण हो जाता है, श्रीलंका चली जाती हैं रावण, उसके बाद रावण को हार मार के भगवान श्री राम सीता को ले आते हैं, उसके बाद आपने देखा है आवाज उठने लगती है जनता में, तो उस समय आप सोचिए कि भगवान चाहते तो जनता की आवाज को दबा सकते थे, तो आज हम लोग किस तरह उनके उनके बारे में पढ़ते, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन उन्होंने जनता का ख्याल रखा, सभी समाज का ख्याल रखा और सीता को दोबारा जंगल में छुड़वा दिया गया। आप स्थिति समझिए, मतलब हाँ ठीक है चलिए मान लेता हूं, कई लोग कहते हैं कि वो कहानी गढ़ी गई है पूरी, लेकिन भगवान के जीवन को आप लोग देखिए, अगर वो कहानी गढ़ी गई है तब भी हमें बहुत कुछ सीख दे रही है। भगवान एक मानव की तरह थे, हम लोगों ने उन्हें भगवान बनाया। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम, यानी कि पुरुषों में सबसे ऊपर है उसे कहते हैं हम लोग पुरुषोत्तम राम। उस समय आप देखिए कि उनके बाप ने भी 3 शादियां की थी, और उस समय आप सोचिए कि शादियां होती रहती थी, 3 से 4 5 5 शादियां होती थी राजा महाराजाओं की लोग, लेकिन उन्होंने एक शादी की, किस लिए? क्योंकि अच्छी, मतलब आप सोचिए आज हम लोग अगर सोच रहे होते तो हमारे दिमाग में गलत विचार आता, कम से कम उन्होंने अपना मतलब धर्म निभाया। और एक बात आप जानते हैं कि श्रीलंका पूरा दक्षिण भारत पार करते हुए आपको जाना है उत्तर भारत से, उस समय इस तरह का टेलीग्राफ नहीं हुआ करता था, फोन नहीं था कि हाँ सीता माता वहां पहुंच चुकी हैं, पूरा ढूंढते हुए गए हैं। और आज आप सोचिए अगर आपका कोई भी, आप कोई भी आपकी मतलब पति हो पत्नी हो, कोई भी कोई धर्म नहीं निभा रहा है इस तरह का। एक हमारे यहाँ समय हुआ करता था कि आप सोचिए कि अगर पत्नी पर विपत्ति आए या पति पर आए तो पूरा परिवार या पत्नी मतलब टूट जाती थी एक तरह से। और आज का समय देखिए, आज के समय में आप सोचिए कोई वफादार नहीं बचा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग, अपनों की जान लेकर मतलब खुश रह लेते हैं लोग, अपनों को हरा कर भी खुश रहते हैं लोग, खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो बेवकूफ बेवकूफ ये नहीं समझते हैं कि क्या पा लिया। ठीक है आप पर कोई भरोसा कर रहा है, खुद से जाना, आंख बंद करके आपने कहा कि ये पानी है, उसने कह दिया हाँ पानी है, आपने कहा दूध है, आपने तुरंत कह दिया दूध है, उसने कह दिया हाँ दूध है, लेकिन आप मानिए कम से कम आपकी भरोसा कर रहा है बात पर, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको झूठ बोलना चाहिए। और क्या कर लेंगे झूठ बोलकर, हो सकता है कि जो आपके झूठ बोलने से सामने वाला मर जा रहा है, चलिए उसकी तो एक तरह से आपने खत्म कर दी जिंदगी, आपने क्या पा लिया, तो इस बात को भी तो समझ जाना चाहिए मुझे लगता है। तो ये हालत देखी जा रही है, आप सोचिए कि मतलब आपके किसी भी राज्य की ले लीजिए आप लोग, MP की ले लीजिए, चाहे बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ किसी भी स्टेट की, आपके लिए विधायक इतना भी नहीं कर सकते हैं कि विरोध करें कि नौकरी दीजिए छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए शिक्षा दीजिए, गरीबों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराइए, खाद्यान्न उपलब्ध कराइए, गरीबों के लिए रोजगार उपलब्ध कराइए, लेकिन नहीं घर में बैठे हुए हैं क्योंकि खुद का मजे चल रहे हैं, खुद की कोई गरीबी नहीं है। कौन कहता है योग्यता नहीं है, योग्यता तो यहाँ के छात्रों में यानी कि लोगों में इतनी है कि देश चला सकता है, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए उन्हें। एक मैंने कहीं पढ़ा था एक अच्छा वाक्य था कि योग्यता कोई मायने नहीं रखती है जब तक कि आपको मौका ना दिया जाए। आप सोचिए कि नीति बनाने में हमारे हो सकता है कि कई व्यक्ति होंगे जो
सभी से बेहतर नीतियां बना सकते हैं। समाज के कई लोग होंगे ऐसे, लेकिन उनकी बात कौन सुन रहा है? आपके जो भी विधायक चुन रहे हैं, आप लोग एमपी चुन रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री, उससे बेहतर स्टेट को चला सकता है कोई भी व्यक्ति। ऐसे कई एक नहीं हजार व्यक्ति होंगे ऐसे, लेकिन उन्हें मौका कौन दे रहा है? तो ये हालत देखी जा रही है। ठीक है, अपना पेट भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आज आप उसकी बारी है, कल आपकी बारी है। यही अगर जिंदगी है तो जीने दीजिए। अगर यही मकसद है जिंदगी का तो चलने दीजिए। ठीक है, मुझे तो लगता है कि अब एमबी का भी हो जाना चाहिए पेपर, जो भी रहे आप मतलब जल्दी जल्दी करवा देना चाहिए। आप देखिए हमारे देश में चुनाव होते हैं, आम लोकसभा चुनाव होते हैं, एक डेट दे दी जाती है आपको, उस डेट को चुनाव रिजल्ट आ जाते हैं, 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। इस तरह से पेपर होना चाहिए, क्योंकि सब हमारे देश के युवा हैं, एक तरह से रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और एक घर से निकलता है किसी भी काम के लिए तो कितनी उम्मीदें रहती है उसके परिवार को। आप सभी इसी मीडियम से हैं, आप समझ रहे हैं। उन बेवकूफों के बारे में तो कुछ कहना भी नहीं है। वही है कि उस कहा नहीं जाता है कि गंदी नाली से कभी अपने हाथ साफ नहीं किए जाते हैं, साफ ही पानी देखा जाता है, क्योंकि अगर गंदी नाली से हम लोग हाथ साफ करेंगे तो और गंदे हो जाएंगे। उन बेवकूफों को सोचिए आप लोग कि 35 लाख लोगों को उन्होंने एक तरह से देशद्रोही घोषित कर दिया, यानी कि अपना हक मांगना भी बच्चों के लिए देशद्रोही शब्द यूज कर रहे हैं। अरे कम से कम मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें जन्म दिया है जिस माँ ने, वो भी तरसती होगी, वो भी अपनी कोख को कोसती होगी कि तुम जैसे मतलब गुलाम 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। किस लिए किया? क्योंकि यही हालत देखी गई है कि आधे लोग उसमें थे, आधे लोग इसमें थे। सच का साथ दे दीजिए ना, जो हो रहा है हो रहा है, चलने दीजिए। देखिए इतिहास सब कुछ याद रखेगा, गद्दारों को भी याद रखेगा, आज जिन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है उन्हें भी याद रखेगा, और जो महान बने हुए हैं उन्हें भी याद रखेगा। और तब आप सोचिए गालियां पड़ेंगी, सही तब भी तब कहा जाएगा कि सही क्या था गलत क्या था। आज आप सोच लीजिए, चलिए ठीक है 35-40 लाख बच्चे आए हैं सामने आकर, ये कल 35 करोड़ में बदलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि कुर्सी से उठाकर नीचे कर दिया जाएगा। यही एक समय कांग्रेस को भी एक तरह से समझिए आप लोग कि बहम था कि मैं ही हूं देश में, आज आप देखिए विपक्ष में भी नहीं बैठ पा रही है। तो जनता बहुत जिसे गिरा भी सकती है उठा भी सकती है। और मैंने कहा है कि इतिहास हमेशा आपके कामों को याद रखता है, आप जो भी कर रहे हैं वही इतिहास काम रखेगा। आप किसी में दम है तो आप सोचिए ना, 1857 के क्रांति के बाद से आप देखिए सिंधिया ने किस तरह से अंग्रेजों का साथ दिया है। आप लोग इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं उसमें सब कुछ दिया गया है। आज भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपने बेहतर आप थोड़ा डिटेल से पढ़िए, गद्दार शब्द यूज किया जाता है कि सिंधिया गद्दार था। तो किसी में दम हो तो वो शब्द हटवा दे, नहीं हट रहा ना। आप सोचिए जब तक धरती रहेगी तब तक वो शब्द लगा रहेगा। मान लीजिए आपकी जिंदगी 100 साल की है, बातें थोड़ी लंबी हो रही हैं लेकिन आपकी जिंदगी में भी ये काफी हद तक मदद करेंगी। और एक तरह से आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 4 पढ़ रहे हैं, यही सोच के रखिए आप लोग मेंस में। मान लीजिए आपकी जिंदगी 100 साल की है, ठीक है, या मेरी जिंदगी किसी की भी ले लीजिए XYZ, आप सोचिए कि आप अपनी जिंदगी को एक मतलब इस तरह से जीते हैं कि हर किसी के भरोसे को तोड़ते रहते हैं, आपके लिए पैसा सब कुछ है, रिश्ते कुछ नहीं है आपके लिए, आप कुछ अपने पैसे के आगे कुछ नहीं देखते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, आपके लिए किसी की जिंदगी से खेलना मामूली सी बात है। चलिए आप 100 साल के बाद मरेंगे तब आपका नाम किस तरह याद रखा जाएगा, आप खुद डिसाइड करिए इस तरह की बात। और एक बार आप सोचिए कि अगर दाग लग जाता है तो ये जिंदगी ऐसी है कि दाग कभी छूटता नहीं है। एक बार भरोसा अगर टूट जाता है किसी का तो ये जिंदगी ऐसी है कि भरोसा दोबारा जुड़ता नहीं है, फिर चाहे वो भगवान हो जाए बन जाए और अपनी जान भी दे दे भरोसे के लिए। तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला भी है कि चाहे आपका घर का हो या बाहर का हो या कोई और हो, कोई भी रिश्ता हो, भरोसे को हमेशा बनाए रखिए। जान देखिए जा सकती है, जाने दीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरह जिया करिएगा
कि हम आपको पछतावा ना हो कि काश हम ऐसा कर लेते। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, और ठीक है, आप लोग सबसे ज्यादा ट्वीट किया करिएगा ट्विटर पर, ठीक है, जो भी टैग लगाकर आप लोग जिस भी एग्जाम का आपको विरोध करना है। तो क्योंकि आप देखते हैं जितने भी आपके पॉलिटिशियन हैं, जितने भी महान आत्माएं हैं भारत की, वो सभी ट्विटर पर रहती हैं, तब आप सोचिए थोड़ा उन्हें भी फर्क पड़ता है। और वैसे फर्क तो 35 लाख में मुझे नहीं लगता है कि पड़ा है कुछ, SSC ने थोड़े ही मतलब एक तरह से आश्वासन दे दिया है, अब MP का कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। एक वो लेमन चूस नहीं कह देते हैं, उसी तरह पकड़ा देते हैं हर सरकार, आप चूसते रहिए। मुझे तो सबसे शर्म वाली बात वो लगती है कि 1947 से एक नारा पकड़े हुए हैं घंटे की तरह, गरीबी हटाएंगे हम आएंगे सरकार में, अभी तक नहीं हटी। आप खुद देख लेना बिहार का पूरा चुनाव, मुझे लगता है CBI वाले सुशांत के मामले पर खत्म हो जाएगा, कोई नहीं है ना बिहार में बाढ़ का कोई मुद्दा रहेगा ना कुछ वो रहेगा। लेकिन हाँ, दिल्ली की जनता काफी जागरूक हो चुकी थी, आपने देखा है किस तरह से सभी पार्टियों को धो दिया उसने, सब कुछ जी जान लगाने के बाद भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, काम के नाम पर वोट पड़ा है। तो चलिए, उसे भी कई लोग कहते हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, आप लोगों से समझदार है, इतना याद रखिए। चलिए ठीक है, आप लोग अपना विरोध करते रहिए और टैग अधिक से अधिक किया करिएगा, फिर चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक साहब हो, इस तरह के 1000 ट्वीट किया करिएगा कम से कम, जितने अधिक हो सके, और किसी को ट्वीट भी टैग भी कर दिया करिएगा, ठीक है। और पेपर में लगे रहिएगा, तैयारी मतलब अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि आएंगे, अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, बेवकूफ बनाने वाला टाइम खत्म हो चुका है। अब हम एक तरह से युवा जाग रहे हैं, स्टूडेंट जाग रहा है अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, और कई ऐसे महानुभूति हैं जो आपके साथ भी दे रही हैं। तो आप लोग लगे रहिए तैयारी को, मत छोड़िएगा। आप ट्विटर कहिए, एक आप जानते हैं कि 1 घंटा का काम है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, तैयारी रखिए बराबर, ठीक है।